नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे वज्रपात न्यूज। बाघा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अपहृत SCSP संचालक राजकुमार को नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से किया बरामद। SDPO के नेतृत्व में SIT टीम ने दो दिनों के अंदर अपहृत को किया बरामद। अवैध नशे की हालत में हुआ बरामद। विभिन्न पहलुओं पर हो रही जांच। बेतिया से मोहन सिंह की रिपोर्ट। बाघा SDPO कुमार देवेंद्र के नेतृत्व में गठित SIT पुलिस ने शुक्रवार को अपहृत CSV संचालक राजकुमार को नशे की हालत में नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से किया बरामद। उप जानकारी SP किरण कुमार गोरख जादव ने दी। उन्होंने बताया कि CSP संचालक बुधवार की दोपहर घर से बाइक से निकले थे। देर शाम तक जब वह घर में पहुंचे तो उनके परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की एवं देर शाम पटखौली OP में आवेदन देकर उनके अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए मामला दर्ज कराया था। CSP संचालक राजकुमार के पिता के आवेदन पर पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। SP ने बताया कि SDPO कुमार देवेंद्र के नेतृत्व में SIT टीम का गठन किया गया था। पुलिस अपहरण CSP संचालक राजकुमार की खोज को लेकर लगातार विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही थी। इसी दौरान शुक्रवार की दोपहर नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से SIT की टीम ने बेहोशी की हालत में राजकुमार को बरामद किया। उन्होंने बताया कि CSP संचालक राजकुमार के पास से बाइक की चाबी और कई अन्य सामग्री भी बरामद किए गए। बरामद सभी सामग्री को जब्त कर लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस अपहरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं में जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस CSP संचालक राजकुमार की भूमिका भी संदिग्ध मानते हुए पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। गौरतलब है कि CSP संचालक बुधवार की दोपहर के बाद से गायब थे, जिसके बाद उनके दोस्त रोशन कुमार के मोबाइल पर अपराधियों ने 15 लाख रुपए फिरौती की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने राजकुमार के दोस्त रोशन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। साथ ही साथ अपहरण से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर भी पुलिस जांच कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज़।